News 18, India. नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कमलनाथ की नाराजगी और बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज किया। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईडी और सीबीआई का दबाव डाला जा रहा है। कमलनाथ पर भी यही दबाव डाला जा रहा है, लेकिन कमलनाथ का चरित्र दबाव में आने वाले नेताओं में से नहीं है। आखिर के लाइन दिग्विजय सिंह के यही रहे। हालांकि मान मनोवल की कोशिश पार्टी की तरफ से नहीं की जा रही है, जो सीनियर लीडर्स हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन ये जरूर मेंशन किया जा रहा है कि उनका चरित्र दबाव में आने वाला नहीं। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व के भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं। और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बहुत ज्यादा मान मनोबल के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कमलनाथ को खुश भी नहीं करना चाह रहा है। कांग्रेस के सूत्रों ने यह बताया है कि पार्टी की तरफ से कमलनाथ को मध्य प्रदेश में बतौर अध्यक्ष खुली स्वतंत्रता दी गई थी और कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। बावजूद इसके बीजेपी में जाने की खबरों पर अब तक कमलनाथ की तरफ से साफ इनकार भी नहीं किया गया है और इस बात से ही कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मौजूदा वक्त में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ को मनाने की कोई गंभीर कोशिश भी नहीं होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही अब कमलनाथ के मौजूदा रुख को दबाव बनाने वाला राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी कि अब एक बात साफ हो गई है कि शीर्ष नेतृत्व ने अब पूरी तरह से कमलनाथ पर ही छोड़ दिया है कि उन्हें कांग्रेस में रहना है या कांग्रेस पार्टी छोड़नी है। और इस बीच कमलनाथ के एक बार फिर साफ उन्होंने कर दिया है कि उनकी किसी भी पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो जरूर जाएंगे। यानी उन्होंने इशारों में संकेत दे दिया है, जिस तरीके से अशोक चौहान ने पहले इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद कहा नहीं मेरी तो किसी से बात नहीं हो रही है, लेकिन दो दिन बाद ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी और बीजेपी ज्वाइन करते ही सीधे राज्यसभा भी। कमलनाथ के किन किन शर्तों पर बातचीत हुई है बीजेपी के साथ, क्योंकि मौजूदा हालात को देखकर आप समझ सकते हैं इतने बड़े कद का नेता अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी का रुख करेगा। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों के बीच अब एक बेहद अहम और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी के संपर्क में और सूत्रों का दावा है कि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर अभी निर्णायक सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों का दावा यह भी कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इससे ही जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस में कमलनाथ खेमे के नेताओं की भी नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कमलनाथ के बेहद करीबी नेता माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने खुलकर कहा कि जिस तरह कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया और सोनिया गांधी से बातचीत होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया, उससे कमलनाथ के समर्थकों को ठेस पहुंची है। ये नाराजगी की एक वजह बताई जा रही है, क्या इतने सीनियर लीडर जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी में बड़े पद पर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, क्या राज्यसभा भेजे जाने भर से वो इतने नाराज हो जाएंगे कि पार्टी छोड़ देंगे? कमलनाथ जी की उपेक्षा चुनाव के टाइम से की जा रही है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भूपेश बघेल चुनाव हार जाएंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
चाहे राहुल जी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की हो या पब्लिक की बात हो, तो बात आती है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ हम चुनाव हारे जहाँ कल्पना नहीं थी, राजस्थान हम लोग चुनाव हारे, लेकिन कमलनाथ जी को ही नकारा क्यों कहा जा रहा है? मध्य प्रदेश भी हारा, उसमें सारा दोष कमलनाथ जी के ऊपर देके कमलनाथ जी को जिस ढंग से पद से हटाया गया और राज्यसभा में सोनिया जी से बात होने के बाद उपेक्षित किया गया, इससे लोगों को ठेस लगी हुई है। तो वहीं वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने कमलनाथ के सवाल पर कन्नी काट ली। जब उनसे कमलनाथ की नाराजगी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो विश्वनाथ की बात करने आए, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं नहीं, मैं यहाँ सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। कमलनाथ का कांग्रेस पार्टी में जो कद रहा है उसके मुताबिक आप सिर्फ मान सकते हैं कि सोनिया, राहुल और प्रियंका ही इस पे कमेंट करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तीसरे पुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ आखिर पार्टी क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? इस बड़े सवाल की गूंज मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और देश में हो रही है। अब इसकी वजह भी एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है, वो कौन सी वजह। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में वो अलग थलग पड़ गए थे, इस तरीके की खबरें आई। कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, ये भी एक नाराजगी की बड़ी वजह। राज्यसभा में जाने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, यानी जब पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा तो उन्हें लगा कि अब तो मैं पूरी तरीके से पार्टी में दरकिनार हो रहा हूं। अब बेटे को लेकर क्या एंगल है, बेटे नकुलनाथ के लिए नए राजनीतिक भविष्य की तलाश, यानी वो चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उसे एस्टैब्लिश किया जाए, लेकिन नकुलनाथ को भी कोई ऐसा पद या कोई उस तरीके का पद नहीं दिया गया जिससे कि उनकी नाराजगी दूर होती। तो इस तरीके से कमलनाथ ने अपनी ये 4-5 पॉइंट जो है वो, अगर उनकी बातचीत हुई भी होगी तो सोनिया गांधी से या फिर राहुल गांधी से बातचीत हुई होगी।